आपने क्योंकि अपने पिछले वक्तव्य में कहा शहजादे, वो शहजादे हैं और वो आपको कहते हैं तानाशाह। शायद वो उनके डिक्शनरी में है, यही मुख्य शब्द है और इसलिए जब वो एक चुने हुए प्रधानमंत्री को इस प्रकार की भाषा बोलते हैं तब वो इस देश के नागरिकों का अपमान कर रहे हैं, वे इस देश के मतदाताओं का अपमान करते हैं। क्या भारत के मतदाता ऐसे हैं कि किसी तानाशाह को देश दे दें? भारत के मतदाता इतने समझदार हैं कि तानाशाही का एक कृत्य इस देश में 1975 में हुआ तो 2 साल के भीतर भीतर इस देश ने उस तानाशाही को उखाड़ करके फेंक दिया। भारत के लोगों के रगों में लोकतंत्र है और इसलिए कोई कहे कि भारत की जनता ऐसी अभूत है कि वो डिक्टेटरों को चुनती है तो ये भाषा मोदी को गाली नहीं है, ये देश के कोटि कोटि मतदाताओं को गाली है। और दूसरा, एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार रिकॉर्ड मेजोरिटी से लंबे काल तक इस देश के एक महत्वपूर्ण राज्य का मुख्यमंत्री रह के आया जी। एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार 10 साल के देश की जनता उसको चुनाव में जीता रही है, इसका मतलब कि आप मोदी का अपमान नहीं कर रहे हैं, आप भारत के लोगों की समझदारी का अपमान कर रहे हैं। भारत का लोगों का लोकतंत्र के प्रति जो कमिटमेंट है उसका अपमान कर रहे हैं। अब इसका जवाब तो जनता दे देगी, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने इतने व्यस्त शेड्यूल में से आपने इंडिया टीवी के लिए समय नहीं। मैं आपके दर्शकों को भी मेरा प्रणाम कहता हूं और आपके दर्शकों से मेरा यही आग्रह होगा कि लोकतंत्र में चुनाव एक महापर्व होता है और इस महापर्व में आपका हर एक का एक वोट वो लोकतंत्र का गहना बन जाता है, लोकतंत्र की शोभा बढ़ाता है और देश की शान बढ़ाता है। मैं सभी मतदाताओं से आग्रह करूंगा, आपको जो मर्जी पड़े जहां मर्जी पड़े वोट दीजिए, वोट अवश्य दीजिए। मैं देश के फर्स्ट टाइम वोटरों को कहूंगा कि आप देश के लिए वोट कीजिए जिसमें आपको लगता है कि आपका भविष्य सुरक्षित हो। और जब मैं विकसित भारत की बात करता हूं तो आज जो 20-25 साल 27 साल का नौजवान है मैं उसका भविष्य निश्चित करना चाहता हूं ताकि उसके संतानों को भी कभी अपनी जिंदगी जीने के लिए इतनी जद्दोजहद न करनी पड़े। मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करते हुए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। थैंक यू।